हाँ भाइयों, गौर फरमाइएगा, इधर गंगा डाकू बलवंत सिंह के पैर में गोली मार देता है। इंस्पेक्टर अखिलेश अपनी प्रेम का राधा की खोज में निकलता है, गंगा डाकू की गुफा की तरफ जाता है। और उधर दूसरे गिरोह का सरदार भवानी सिंह देखो अपने साथी शक्ति सिंह से क्या बातचीत करते हैं। साथी शक्ति सिंह, आज कई दिनों से कोई धन हाथ नहीं लगा है, आज चलते हैं उस गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे जो बड़ा वाला पुल है, अगर कोई धनी सेठ वहां मिल जाता है तो उसका सारा धन छीन लिया जाएगा। आओ मेरे साथी शक्ति सिंह, आओ हम चलते हैं। भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं कि राधा को गंगा डाकू उठा ले गया। उसी राधा की बात है जिसके साथ मैंने मां भारी शेरवानी मंदिर पे कंदर भी ब्याह किया, उसके साथ सुहाग रात बनाया। आज वही गंगा डाकू की कैद में है। घबराओ नहीं राधा, मैं तुम्हारी जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। खैर गंगा, अब तेरा काल बनकर रखे, तेरी गुफार है। दोस्त के पास तुझे ले चल रहा हूँ, और वहां पर हम और हमारे साथी और हमारे अन्य साथी सब तेरे साथ व्यवहार करेंगे। उसके बाद याद रखो, अगर तेरा भाई मेरा नाम ले लिया तो मैं उस हरामजादे को मौत के घाट उतार दूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे जाने दूंगा। आओ साथी गंगा डाकू अभी वापस नहीं आया, ना जाने काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, पूरा अवश्य होगा। मैं और मेरे साथी क्या करेंगे इसको बता दो। अरे वो राधा, तेरे ही कारण उस दिन उस जवान ने मुझे पटक पटक कर मारा था, आज तो मेरे साथी गंगा सिंह के साथ इसी गुफा में आ गई ना। कहो अब तेरे साथ क्या व्यवहार होगा। घबराओ नहीं, डाकू गंगा सिंह जब सामूहिक प्यार करूंगा तब। क्यों नहीं रखो, ले चलो गुफा में हो, तुम्हारे साथ मंचा शुरू कर सकता हूं, तुझे बचाने वाला कोई पैदा नहीं है। ले चलो इसे गुफा में ले चलो। जितने साथी हैं, पहले से कपड़ा उतार।
चुप हराम जादू चुप। यही कारण मैं मार बहुत मार खाया हूँ, आज आज अपनी चरण को बुझा रहा हूँ। मेरी नहीं, नहीं। रही है, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आओ जाओ। जाओ जाओ पलायन करके आओ, क्या बताएंगे कि क्या करना है। जाओ जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपने प्यास जरूर बुझाऊंगा। कम हो तो रखा है, जाओ रह जाओ। हमारे इज्जती है, सब ही मजा मान लियो, हम पछतुआ ही। बाबू बोल, हमारो मन कहता है डुब्बी मार दी। मार जा, अंदर जा, सब कोई जाओ, जाओ कहीं जात है, चाहे जीव रहे चाहे सट सट निकल जाए। हम अरे बड़ी माई रे, छोड़ दे कमीने। हे रह जा, रह जा, चिल्लाऊ ना, चिल्लाऊ ना, का चिल्लात के हो, रुकी रहो, रुकी रहो, का चिल्लात के हो। बम्बाऊ ना, बम्बाऊ ना। गंगा डाकू, जाओ, इंग्लिश की बोल तो रखी हुई है, लगा लगा कर जाओ। हम चुपे जाओ, आराम कर ले बाबू। जनाए पड़ता है, जनाए पड़ता है, हमारे दही खून में से अगर चूस उठा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों ऐसा, ऐसा किसी में नहीं, जो इसमें है वो किसी में नहीं है, चाहे वो मर जाए हमको परवाह नहीं। जाओ जाओ उस हराम जाजी को ऊंची पहाड़ी से नदी में फेंक दो। नाल है का बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब आज बात जोन बदलो, देर मत करो। वो बेहोश हो गई है, बेहोश। हम जब वहां गए तो वो बेहोश पड़ी थी, और ये उसे ले जाकर नदी में फेंक दो, पहाड़ी से नदी में फेंक दो। नहीं तो हम तो मुर्गी मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जाओ, वो बेहोश हो गई है, उसे जल्दी करो, उसे फेंक दो नदी में। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, जल्दी करो, फेंक दो उसे। हाँ गौर फरमाइएगा, जमींदार कुंदन सिंह व डाकू गंगा सिंह
वह पूरा डाकुओं का गिरोह राधा के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। उसके बाद में राधा की लाश को उठाकर पहाड़ी के ऊपर से गंगा नदी में फेंक देते हैं। राधा की लाश नदी के किनारे पड़ी हुई है, तब तक अचानक उसी रास्ते से सरदार डाकू भवानी सिंह पहुंच जाते हैं राधा की लाश के पास। साथी शक्ति सिंह, हम तुम नदी के किनारे आ गए हैं। शक्ति सिंह क्या देख रहे हो? ये नदी के किनारे ये देखो किसकी लाश बहती हुई आ रही है। हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं। साथी शक्ति सिंह देखो ये बेहोश है या किस हालत में है। साथी शक्ति सिंह इस पर पानी का छींटा मारा जाए ताकि ये होश में आए। सरदार भाली सिंह तुम्हारी लाश बहते हुए नदी के किनारे मिली थी, ये बताओ कि तुम नदी में कैसे आई? अपनी कहानी मुझे साफ साफ बताओ। सरदार जी मैं बीरमपुर के रहने वाली हूँ। मेरे भाई बलवंत सिंह के पैर में गंगा डाकू गोली मार दिया और फिर मुझे उठाकर अपनी गुफा में ले गया। उस गुफा में वहां पर जमींदार कुंदन सिंह पहले से बैठा था। जमींदार कुंदन सिंह व डाकू गंगा सिंह व पूरा गिरोह मेरे साथ मेरी इज्जत लूट लिया, मैं कहीं की नहीं रह गई। आओ नहीं लड़की, इसका मतलब उन दरिंदों ने तुम्हें बेहोशी की हालत में नदी में फेंक दिया। बड़ाओ नहीं, माँ भवानी की कृपा से तेरी जान बच गई। न्याय अत्याचार। साथी शक्ति सिंह वह लड़की अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुझे अपने साथियों के साथ तुम्हें घर भेज दूंगा। घर को जाऊं नहीं, अब मैं सरदार लूट सब कुछ लिया बिल्ली।
को अरे ला छोटा करो इस तरह को। छोटा करो माँ भवानी की कृपा से तू बच गई। अरे तुझको पहुंचाए दूंगा मैं तेरे घर। आप यदि मुझ पे करना कृपा चाहते मुझको भी शरण में अपने ले। और जालिमों से लू बदला गिन गिन के मैं दिल का अरमान मेरे। मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए। याली मैं तुम्हें अपने शरण में हूँ लेकिन औरत औरतों का दिल बड़ा ही नाजुक होता है। कोई दर्दनाक या ऐसा काम देखेगी तो उनका दिल बहल जाएगा। कोई विश्वास नहीं होता। क्यों शक्ति सिंह विश्वास नहीं होता। लेकिन सुनो कैसे विश्वास कर लो। अरे होता दिल और तो का है नाजुक बहुत। होता दिल और तो का है नाजुक बहुत। मौत को देख कर फिर तुम घबरा। राधा की हालत वह बात सुनकर उनके जो डाकू भवानी सिंह हैं दया खाकर उन्हें अपने गिरोह के साथ भर्ती कर लेते हैं और राधा एक डाकू बन जाती है। सारे साथी उसे अपने गुफा का सरदार मानते हैं। धन्यवाद। लड़की मैं तुम्हें बहुत कमजोर समझ रहा था लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा ही मजबूत है। ठीक है तो कहेंगे तुझको रख ले को तैयार हूँ। कहेंगे तुझको रखने को तैयार हूँ। तुझको सिखलाऊंगा। अरे मैं तो ऐसा हुनर। अरे कहेंगे भाई तुझको रख ले तो तैयार हूँ।
सरकार जी, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और मुझे ऐसा ऐसी बंदूक चलाना सिखाए उन दुश्मनों से, उन जालिमों से मैं अपना बदला ले सकूं। घबराओ नहीं लड़की, कल 12 बजे माँ भवानी के मंदिर में तुम्हें अपना खून चढ़ाना होगा, और उसी खून से तुम्हारे मस्तक पर टीका लगाया जाएगा तथा तुम्हारा नामकरण किया जाएगा। आओ आओ चलते हैं गुफा की तरफ, अपना वस्त्र वहां पर बदलो। हाँ भाइयों, सीन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि तमाशा बना बताया गया है, डाकू दुर्गा दुर्गा नाम से मशहूर हो रही है। रो रो कर बेचारी अपने मस्तक पर काला टीका लगा रही है और कपड़े बदल रही है। इसी बात पर ध्यान दीजिए। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए हे माँ। हाँ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लीजिए मास्टर जी, एक छोटी सी गजल है, गजल की बोल है, मैंने तुम्हें चाहा तूने चाहा किसी और को।